नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने वेदों पर कुछ पुस्तकें मंगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वेदों के चारों खंड हैं। तो मैंने सोचा इस पर आपको एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताऊं। कुछ प्रकाशकों ने वेदों पर बहुत ही विस्तृत पुस्तकें लिखी है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल वेदों का एक सार समझना था, तो मैंने उसके लिए खोजा ऑनलाइन और मुझे चार पुस्तकें पता चली। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं थोड़ा। ये आप देख सकते हैं चारों पुस्तकें हैं। ये चारों पुस्तकें श्री शिव प्रकाशन मंदिर द्वारा प्रकाशित हुई है। ये बहुत ही मूल है, मतलब इसमें आपको वेदों के श्लोक नहीं मिलेंगे, केवल उनका अर्थ मिलेगा। सभी सूक्त है इसमें, लेकिन अर्थ के साथ, इसमें आपको वो श्लोक नहीं मिलेंगे। तो ये एक समस्या है इस पुस्तक के साथ। लेकिन हाँ, यदि आपको वेदों को समझना है कि वेद क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो ये शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर श्री शिव प्रकाशन मंदिर लिखा गया है, किंतु अंदर लक्ष्मी प्रकाशन लिखा गया है। शायद वो एक ही हो, मुझे नहीं पता। और इसका जो रूपांतरण किया है वो श्री मनोहर लाल शर्मा जी ने किया है। तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद का सरल हिंदी रूपांतरण एवं व्याख्या। तो इसमें आपको सिर्फ व्याख्या मिलेगी, इसमें आपको कोई श्लोक नहीं मिलेगा। यह पुस्तक चार भागों में बटी हुई है। मेरे ख्याल से चारों पुस्तकों का जो मूल्य है वो 400-400 रुपये है। हालांकि मुझे यह कुछ कम में मिली है, मुझे कुछ 1400 रुपये खर्च करने पड़े हैं इन चारों के लिए। तो वापस पुस्तक पे आते हैं। ऋग्वेद में आप देख सकते हैं चार खंडों में बटा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई श्लोक नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि सूक्त कौन सा है, वो सूक्त जो है किस देवता को समर्पित है, और सूक्त में क्या क्या लिखा गया है, उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, वो आपको मिलेगी। पृष्ठ की जो गुणवत्ता है और छपाई की जो गुणवत्ता है वो मैं बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, पढ़ने के हिसाब से तो खैर ठीक ही है। तो ऋग्वेद जो है कुल 416 पृष्ठों की संख्या है, जिसका मूल्य 400 रुपये है। तो एक तरह से अच्छा ही है, मुझे तो थोड़ा सस्ता ही पड़ा। मैंने ये चारों पुस्तकें अमेज़ॉन से मंगवाई थी। आते हैं सामवेद पर। तो सामवेद वही आपको वही चीज़ें दिखेगी। इससे कितने भागों में बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। इसके भी जो रूपांतरण और व्याख्याकार हैं वो श्री मनोहर लाल शर्मा जी हैं, और इसे कुल 7 अध्यायों में बांटा गया। बहुत बढ़िया। नहीं, इसे कुल 7 नहीं, इसे कुल 16 अध्यायों में बांटा गया है। थोड़ा सा अजीब है वैसे सूची में, क्योंकि यहाँ पे भी सूक्त 1 से 11 लिखा है, अध्याय 2 में भी 1 से 11, अध्याय 3 में भी 1 से 11, फिर 1 से 10। मुझे पता नहीं है किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, लेकिन कुल 16 अध्याय हैं इस पुस्तक में। जो सामवेद है उसमें जो कुल पृष्ठ संख्या है वो है 368। आते हैं यजुर्वेद पर। वही प्रकाशक, वही व्याख्याकार, इसके अध्याय देख लेते हैं। इसके अध्याय हैं कुल 19 या और अधिक। इसके कुल अध्याय हैं 41। इसके जो कुल पृष्ठ संख्या है वो है 400। सभी पुस्तकें हार्ड कवर है, तो सामने की जो गुणवत्ता है वो तो खैर बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर के पृष्ठों की जो छपाई और गुणवत्ता है ये मुझे तो बहुत अच्छी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी ठीक है। हर पुस्तक में लिखा गया है, यह पुस्तक अथर्ववेद के अमृत का रसास्वादन कराने के लिए लिखी गई है। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है, यह पुस्तक सामवेद के अमृत का रसास्वादन कराने के लिए लिखी गई है। तो इसको भी आप देख लेते हैं, अंतिम पुस्तक है ये। इसको कितने खंडों में बांटा गया है, इसको 12 खंड यानी 12 भाग में इसको बांटा गया है। इसमें जो कुल पृष्ठ संख्या है वो है 376, और चारों का कुल मूल्य मिलाकर के 1600 के आसपास है। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से लेंगे, मुझे तो 1400 कुछ पड़ा था, आपको शायद उस समय जो भी इसका मूल्य होगा वो आपको देना पड़ेगा। एक समस्या इन पुस्तकों के साथ ये भी है कि इसमें आपको संस्कृत के मूल श्लोक नहीं मिलेंगे, इसमें आपको केवल वो सूक्त और उसका अर्थ मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप बहुत ही विस्तृत रूप से वेदों को जानना चाह रहे हैं तो ये पुस्तक शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको इसमें श्लोक नहीं दिए गए हैं। लेकिन यदि आप वेदों का एक सार जानने को इच्छुक हैं
वेद क्या हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है, उसमें किन किन चीज़ों की व्याख्या की गई है, वेदों को किन किन देवताओं को समर्पित किया गया है। तो उसके लिए मतलब वेदों के अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए यदि आपको कुछ चाहिए पुस्तक, तो ये पुस्तक आप इसे पढ़ेंगे तो आपको वेदों का सार समझ में आ जाएगा। भले ही आपको वेदों को गहन रूप से अध्ययन करने का इसमें उतना अच्छा उतनी अधिक जानकारी ना मिले, लेकिन हाँ वेद क्या है उसका जो सार है उस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो वेदों के अध्ययन को शुरू करने के लिए अच्छी पुस्तकें हैं ये, आप इसे खरीद सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप में से किसी के पास ये पहले से हो, ये चारों पुस्तकें यदि आपने इसे पढ़ा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने उसे कितने में ख़रीदा और आपको इसे पढ़कर क्या अच्छी बातें लगी और इससे क्या सीखने को मिला। धन्यवाद।